नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर काव्य पूर्णिमा। मैं हूं रजनी ईशान। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में कविताएं मन को सुकून देती हैं। कविताएं ना सिर्फ सुकून देती हैं बल्कि वो लोगों को प्रेरित भी करती हैं। यही वजह है कि आज हमारे साथ हैं देश की चर्चित कवित्री कलावंती सिंह जी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कविताओं का उनका सफर कैसा रहा। नमस्कार, स्वागत आपका कलावंती जी हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, आपका भी और दर्शकों का भी जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूं कि आपकी जो कविताएं हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत सरल सादगी से परिपूर्ण है, तो आपने अपनी कविताओं को सरल क्यों रखा और उसमें क्लिष्टता या बहुत अधिक बिंबों का प्रयोग क्यों नहीं किया है? देखिए, कविता या जो भावनाएं आती हैं मन में, उसके बाद वो स्वतः स्फूर्त ही बाहर आती हैं। तो वो सायास नहीं होता है कि मेरी कविताएं सरल होंगी या कठिन होंगी, वो अपने आप ही हो जाता है। और वैसे भी मुझे लगता है कि जो भी मैं लिखूं वो सीधे सीधे आम आदमी तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि मैं कविताएं लिखती हूँ तो कविताएं लिखने पढ़ने वाले लोग ही उसको समझे या जाने या बुद्धिजीवी वर्ग ही उसको समझे, बल्कि आम आदमी भी अपनी भावनाओं से उन कविताओं को कनेक्ट कर सके। इसलिए मेरी कविताएं सीधी सरल होती हैं। और शायद यही वजह है कि लोग उनसे जुड़ाव भी महसूस करते हैं। तो आपने जी, लिखना कब शुरू किया? मैं बहुत छुटपन से ही लिखती थी। मेरी जो स्कूल की पत्रिका थी, मैं योगदा सत्संग कन्या विद्यालय में पढ़ती थी तो जी वहाँ स्कूल पत्रिका होती थी। स्कूल पत्रिका में मेरी कुछ कविताएं छपी, बाद में कॉलेज की पत्रिकाओं में भी छपी। मारवाड़ी महिला कॉलेज में मैं पढ़ती थी, वहां भी कविताएं छपी। और उसी समय फिर रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर, उसके बाद धर्मयुग, कादम्बिनी जैसी पत्रिकाओं में भी, आजकल इन पत्रिकाओं में भी कविताएं छपी। वो शुरुआती दौर था, उन दिनों में बहुत सक्रिय थी, खूब पढ़ती लिखती थी। तो आपकी जो जी पहली कविता छपी वो कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में या और बाद में? नहीं, वो स्कूल पत्रिका में छपी थी स्कूल के दिनों में ही। नहीं, मैं बाद में मतलब साहित्यिक बड़े साहित्यिक पत्रिकाओं की बात कर रही हूँ या पत्र साहित्यिक पत्रिकाओं? पत्रिकाओं में तो कॉलेज में आने के बाद छपी। कॉलेज में आने के जब मैं बाद। बीए में थी तो मेरी कविताएं आजकल आजकल पत्रिका में छपी थी। मेरी कविता उस वक्त आजकल का युवा कविता विशेषांक निकला था, जी, उसमें मेरी कविता छपी थी। उसके अलावा प्रभात खबर, रांची एक्सप्रेस, इन अखबारों में भी छपती थी। आज आवाज, इन सारे अखबारों में, इन पहले अखबारों के पास, हर अखबार के पास एक साहित्यिक पृष्ठ होता था। मैं आज बहुत मिस करती हूँ इस चीज को कि हर हर अखबार के पास एक साहित्यिक पृष्ठ होता था और उसमें लोग अपनी रुचि की चीजें भेजते भी थे और उसमें पढ़ते भी थे, तो उसमें मेरी कविताएं छपी थी काफी। जो आप कह रही हैं कि लोग पढ़ते थे साहित्यिक पृष्ठ को जो अखबारों में छपता था, आजकल जैसे वो मिसिंग है। और एक शिकायत या जो बात सामने आ रही है कि लोगों ने पढ़ना कम जी कर दिया है, तो आपको क्या लगता है? आप लंबे समय से साहित्य को देख रही हैं, जो आपके पहले से लिखने वाले लोग थे, आपके साथ लिखने वाले, या जो आज की पीढ़ी है, तो क्या साहित्य में क्या बदलाव आ रहा है? क्यों लोग पढ़ना नहीं चाहते? क्या आप कारण देखती हैं? असल में देखिए, साहित्य पढ़ने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा धीरज भी होना चाहिए कि आप बैठ के पढ़ें। ऐसा नहीं है कि लोग पढ़ नहीं रहे हैं, वो चीजें थोड़ी आधुनिक रूप में बदल गई हैं। जैसे लोग अब मोबाइल पे पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर पे पढ़ लेते हैं, जो किताबें हैं वो ऑनलाइन मोड में आ गई हैं। बहुत सारी जो अखबार, जो पत्र पत्रिकाएं, अखबार रखने की, पत्रिकाओं को रखने के लिए जगह अलग से चाहिए होती थी, समय अलग से चाहिए होता था। अभी क्या है कि अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो रास्ते में भी मोबाइल खोल के, और उससे भी कोई अखबार, कोई कहानी, कविता या उपन्यास खोल के पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड में चीजें खूब पढ़ी जा रही हैं, पढ़ना कम नहीं हुआ है, भले उसका रूप थोड़ा बदल गया है। किताबें जो पब्लिश होके आती थी उसको लोग कम पढ़ रहे हैं, ये आप कह रही हैं। हाँ जी, तो क्या बदलाव आप देखती हैं लिखने की शैली, इन तमाम चीजों में? देखिए, हर तरह के लेखक आज की दुनिया में भी हैं और हर तरह की चीज लिखी जा रही है। बल्कि महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ी है लिखने में, ये अच्छी बात लगती है, और खूब लिखा जा रहा है, पढ़ा भी खूब जा रहा है। लेकिन यही है कि वो किताबों की शक्ल में, मतलब भौतिक रूप से किताबों की शक्ल में नहीं होके ऑनलाइन मोड में ज्यादा लोग पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की सुविधा के अनुसार है, उसको रखना आसान है। जैसे आपके पास एक मोबाइल है तो उसमें कितनी कहानियां, कितनी कविताएं, कितने उपन्यास आ जाते हैं।
और ऐसे आपको अलग से एक पकड़ के रखना पड़ेगा, कहीं उसको लेके जाना आना पड़ेगा। तो अब जैसे जीवन शैली शैली ही बदल गई है, लोगों की जीवन शैली बदली है, तो हर चीज को उपयोग करने का ढंग भी बदला है, वैसे ही पढ़ने का ढंग भी बदला है। आजकल लोग शॉर्ट चीजें चाहते हैं, मतलब बहुत गंभीर चीजें या मोटी किताबें लोग पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उतना टाइम नहीं है लोगों के पास। जल्दी में तो जो कैजुअल चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, तो उनका इंटरेस्ट लोगों को बढ़ा है, और लोग वैसी ही चीजें पढ़ना चाहते हैं कि उसको कम समय में खत्म कर सकें। सोशल मीडिया का दौर है कलावंती जी, तो सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं, उसको माना जाता है कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, लिखने वालों को। जी नहीं तो पहले पत्रिकाओं में हाँ भेजना पड़ता था, पब्लिश होंगी, समय लगता था। अभी सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी रचनाओं को जल्दी अपने पाठकों तक पहुंचा लेते हैं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ है कि मठाधीशी खत्म हुई। जो मठाधीशी थी कि हम एक ग्रुप बनाएंगे, हम इसको छापेंगे, इसको नहीं छापेंगे, फिर कविता कोई चीजें भेजने के बाद आप बहुत दिन तक वेट कीजिए, उसमें भी बहुत सारा वाद था कि अलग अलग खेमे के लोग थे। सोशल मीडिया ने इन सबको खत्म कर दिया है, और सोशल मीडिया पर भी कुछ अच्छी चीजें, गंभीर चीजें भी आ रही हैं, कुछ अच्छे कवि लेखक उसमें भी हैं। और उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप तुरंत उसको पोस्ट कीजिए, आपका अपना प्लेटफॉर्म है, और तुरंत आपको प्रतिक्रिया मिलती है, बल्कि कई बार सोशल मीडिया के द्वारा जो अच्छी रचनाएं हैं उनको बहुत प्रचार प्रसार मिलता है, किसी की मुहताजी नहीं रह गई है। जी ये सोशल मीडिया ने बड़ा काम किया है। जैसे हर चीज की कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां हैं, वैसे सोशल मीडिया की भी कुछ अच्छाइयां हैं कुछ बुराइयां हैं। लेकिन कम से कम मैं ये कहूंगी कि खास करके महिला लेखिकाओं को, जो बाहर नहीं जा पा रही हैं, बाहर के क्षेत्र में नहीं जा पा रही हैं, जो बहुत ज्यादा चीजों, बहुत पत्र पत्रिकाएं जिनको नहीं मिल पा रही, वो भी अगर अपने घर में एक सादा कागज कलम भी उनके पास है या मोबाइल पे टाइप कर सकती हैं, तो टाइप करके वो अपनी कविताएं उस पे पोस्ट कर रही हैं और कहानियां पोस्ट कर रही हैं, या अपने मन की जो बातें हैं वो शेयर कर रही हैं, तो उनको बहुत फायदा हुआ है। और इस कारण बहुत बड़ी संख्या में स्त्री लेखिकाएं सामने आई स्त्री लेखन के हैं। बारे में आप जैसा कह रही हैं, लेकिन इसमें एक बात और आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं तो उनको रिएक्शन भी तुरंत मिल रहा है पाठकों का। तो जब आपने लिखना शुरू किया था उस दौरान आपको रिएक्शन कैसे मिलता था? देखिए, एक तो जो स्थानीय लोग थे, जो रांची में रहने वाले लोग थे, अगर मेरी कोई कविता छप रही है कहीं, उसमें एड्रेस में रांची लिखा है, या लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो लोग मुझे बड़ा स्नेह देते थे, एक अलग दृष्टि से देखते थे, बड़ा आदर देते थे। छोटे बड़े सब स्कूल में टीचर लोग, हमारे जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे थे वो सब भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी चीज है कि कभी कविताएं कहानियां कहीं छपी तो पत्र आते थे, और उनका बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था, पत्रों के माध्यम से पता चलता था, और वो जो प्रतिक्रियाएं थी वो बहुत, मतलब जेनुइन ईमानदारी से आने वाली पत्रिकाएं थी, क्योंकि जो अगला आदमी है वो सिर्फ पाठक है, वो आपको कहीं से जानता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहानी कविता जो भी आपका छपा है वो पढ़ के वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो उन पत्रों की मुझे बहुत प्रतीक्षा रहती थी, और डाकिया भी जान गया था कि इस घर में कोई है लिखने वाला, जिसकी जिसके लिए चिट्ठियां आती हैं या किताबें आती हैं। तो आप उस दौर की जो आपने पुराने में उस समय लिखी जब चिट्ठी के द्वारा प्रतिक्रिया आती थी, उस दौर की एक कविता जरा सुना दें आप। लड़की घूमती है सपनों में डायरी में, लड़की घूमती है सपनों में डायरी में, लड़की घर से निकलती है घर की तलाश में, लड़की घर से निकलती है घर की तलाश में, लड़की देखती है उड़ती पतंगे और तौलती है पांव, लड़की देखती है उड़ती पतंगे और तौलती है पांव, उसके देह से निकली खुशबू फैलती है घर आंगन तुलसी और देहरी तक, उसके देह से निकली खुशबू फैलती है घर आंगन तुलसी और देहरी तक, बाबूजी की चिंताओं सी ताड़ हुई अम्मा की खीज में पहाड़ हुई, बाबूजी की चिंताओं सी ताड़ हुई अम्मा की खीज में पहाड़ हुई, लड़की घुटनों पर सिर रखे उलझे उलझे सपनों में आधी जाती जागती आधी सोती, लड़की घुटनों पर सिर डाले उलझे उलझे सपनों में आधी सोती आधी जागती सोचती है, एक दिन जब उसके मन के दरवाजे होंगे साझीदार, एक दिन जब उसके मन के दरवाजे होंगे साझीदार, और खिड़कियां गवाह वह धूप से उसका हरापन मांग लाएगी, वह धूप से उसका हरापन मांग लाएगी, सूरज से उधार लेगी रोशनी चिड़िया से पूछेगी दिशा, सूरज से उधार लेगी रोशनी चिड़िया से पूछेगी दिशा,
और आसमान का नीला रंग, और आसमान का नीला रंग उसके दुपट्टे में सिमट आएगा, और आसमान का नीला रंग उसके दुपट्टे में सिमट आएगा। जो कविता संग्रह है 40 साल, जी 40 पार की औरतें, उससे जी कुछ कविताएं सुनाए, खास करके जो शीर्षक कविता हो उसकी वो सुना दे। जी तो कविता 40 पार की औरत, किसी बरसात की घनघोर बारिश वाली रात, एक 40 पार की औरत भीगती हुई थरथर आती है। किसी बरसात की घनघोर बारिश वाली रात, एक 40 पार की औरत भीगती हुई थरथर आती है। कुछ अघोरी आवाजें हर वक्त उसका पीछा करती है, कुछ अघोरी आवाजें हर वक्त उसका पीछा करती हैं। वह बरगद की जटा पकड़कर झूलने वाली डायनों की आवाजें हैं। यह बरगद की जटा पकड़कर झूलने वाली डायनों की आवाजें हैं। वे हर अमावस की रात बरगद की जड़ें पकड़कर खेलती हैं छुआ छुई का खेल। वे हर अमावस की रात की जड़ें पकड़कर खेलती हैं छुआ छुई का खेल। 40 पार की औरत को लगता है ठीक बरगद की तरह ही ठहर गई है उसकी जिंदगी भी। 40 पार की औरत को लगता है ठीक बरगद की तरह ही ठहर गई है उसकी जिंदगी भी। वे जहां है वहां से हिल भी नहीं सकती, वे जहां है वहां से हिल भी नहीं सकती। कभी कभी उन्हें लगता है बरगद की झूलती हुई जड़ें उनके ही खुले हुए केस हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि बरगद की झूलती हुई जड़ें उनके ही खुले केस हैं। रात भर अपनी चिंताओं और कुंठाओं के साथ वे ही उनमें झूलती हैं। रात भर अपनी चिंताओं और कुंठाओं के साथ वे ही उनमें झूलती हैं। मतलब 40 पार का जो वक्त होता है वो एक ऐसा वक्त है जब महिला अपने घर गृहस्थी में इस कदर जकड़ी हुई होती है, जैसे बरगद की जड़ें उसके पेड़ से ही निकल निकल के उसको मजबूत करते रहते हैं, उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। वैसे स्त्री के जो अपने ही जो घर परिवार गृहस्थी बच्चे काम काज जो है वो उसको इस तरह जकड़ लेते हैं कि दूसरी कोई बात वो सोच ही नहीं पाती है। तो ऐसे में जो उसकी अतृप्त कामनाएं हैं, जो जो चीजें उससे छूट गई हैं, वो चीजें उसको याद आती हैं बीच बीच में और उसको एक नेगेटिव थॉट देती हैं और उसको थोड़ा डराती भी है। लेकिन इसी 40 पार की औरत का एक दूसरा रूप है जो कविता के दूसरे इसमें मैंने हाँ, लिखा है, वो 40 पार की औरत का दूसरा दूसरा ये। कभी कभी बड़ी खतरनाक होती है यह 40 पार की औरत, कभी कभी बड़ी खतरनाक होती है यह 40 पार की औरत। वह तुम्हें ठीक ठीक पहचानती है, वह समझती है जीवन का ऊंच नीच, वह समझती है जीवन का ऊंच नीच, कहाँ लपेटेंगे उसे पंख कीच। यह 40 पार की औरत तुम्हें ठीक ठीक पहचानती है, वह समझती है जीवन का ऊंच नीच, उसे पता है कहाँ लपेटेंगे उसे पंख कीच। वह तुम्हारे छल पहचानती है और हंसती है एक निश्चल हंसी, वह तुम्हारे छल पहचानती है और हंसती है एक निश्चल हंसी। वह घूमती है तीनों लोकों में, तीनों युगों में, त्रेता द्वापर और कलयुग में, बचाए रखती है अपने हिस्से का सतयुग। वह घूमती है तीनों लोकों में, तीनों युगों में, त्रेता द्वापर और कलयुग में, बचाए रखती है अपने हिस्से का सतयुग। वह पानी पिला भी सकती है और पानी उतार भी सकती है, वह पानी पिला भी सकती है और पानी उतार भी सकती है। 40 पार की औरत के पास होती है सत्ता उसके अपने संविधान के साथ, 40 पार की औरत के पास होती है सत्ता उसके अपने संविधान के साथ। बड़ी खुददार है ये, खुद मुख्तार है ये 40 पार की औरत, बड़ी खुददार है ये, खुद मुख्तार है ये 40 पार की औरत। बहुत बहुत बेहतरीन कविता। मैंने ऐसा सुना कि ये कविता आपने मंगरेज डबराल जी के सामने भी पढ़ी थी और उनसे आपने सारी मंगेश चीजें। डबराल जी रांची आए थे किसी कार्यक्रम में, तो मैंने उसमें ये कविता पढ़ी थी और उनको ये कविता बहुत पसंद आई थी। इस कविता का तीसरा पार्ट भी है। जी सुनाइए। 40 पार की औरतें दिखती हैं कितनी सीधी, 40 पार की औरतें दिखती हैं कितनी सीधी, होती हैं कितनी चालाक, होती हैं कितनी चालाक। ओढ़ती है मायूसी का घूंघट, भीतर ही भीतर हंसती है खिलखिल, जानती है कपट सबके, रहती है हिलमिल। 40 पार की औरतें दिखती है कितनी सीधी, होती है कितनी चालाक, ओढ़ती है मायूसी का घूंघट, भीतर ही भीतर हंसती है खिलखिल, जानती है कपट सबके, रहती है हिलमिल। 40 पार की औरतें प्रिय के सामने चुप रहती हैं, उनके जाने के बाद कॉमा फुल स्टॉप पढ़ती हैं। मतलब जो नहीं कहा गया वो भी वो अनुमान कर लेती हैं और पढ़ती हैं। 40 पार की औरतें प्रिय के सामने चुप रहती हैं, उसके जाने के बाद कॉमा फुल स्टॉप पढ़ती हैं। सारे अनकहे का अर्थ हैं
वे ऐसी क्यों है इस बात पर सिर धुनती है। मतलब प्रिय के जाने के बाद वो सोचती है कि मैंने कुछ कहा क्यों नहीं, चुप क्यों रह गई। तो वो ऐसी क्यों है इस बात पर सिर भी धुनती है। 40 पार की औरतें कभी रहती हैं चुप चुप, कभी बोलती हैं टुक टुक, उगाती हैं हथेली पर सरसों, सोचती हैं जाएंगी मुक्ति के देश आज कल परसों। 40 पार की औरतें कभी रहती हैं चुप चुप, कभी बोलती हैं टुक टुक, उगाती हैं हथेली पर सरसों, सोचती है जाएंगी मुक्ति के देश आज कल परसों। 40 पार की औरतें सच में थोड़ा सा झूठ मिला उसका स्वाद बढ़ाती हैं। 40 पार की औरतें सच में थोड़ा सा झूठ मिला उसका स्वाद बढ़ाती हैं, जैसे जाड़े को थोड़ा सा धूप उड़ाती हैं। सहेजती सहेजती हैं ढेरों पुण्य और कभी कभी करती है थोड़ा सा पाप। करती है ढेरों पुण्य और कभी कभी करती है थोड़ा सा पाप, उस वक्त ईश्वर को लोरी गा सुना देती है। 40 पार की औरतें, 40 पार की औरतें ख्वाबों से डरती हैं, हकीकत का घर भरती हैं, बिता लेती है वो सारे की कतरी सा जीवन। 40 पार की औरतें ख्वाबों से डरती हैं, हकीकत का घर भरती हैं, बिता लेती हैं वो सारे की कतरी सा जीवन। अपने अपवित्र मालिकों के सामने जीवन भर पवित्रता की शपथ लेती है 40 पार की औरतें। अपने अपवित्र मालिकों के सामने, अपने अपवित्र मालिकों के सामने लेती हैं जीवन भर पवित्रता की शपथ 40 पार की औरतें। बहुत बहुत ही बेहतरीन कविता, और इसके शब्द शब्द मारक हैं बिल्कुल। मैं ये जानना चाहती हूँ, जो कि धन्यवाद। कविताओं में कहा जा रहा है कि महिलाएं अनकही बातों को बाद में सोचती हैं, कहती नहीं हैं, तो महिलाओं के जीवन में इस तरह का दौर आता है युवावस्था के बाद, जब उनकी उनकी शादी हो जाती है तो एक ठहराव सा जीवन में आता है। जो लेखन से जुड़ी जी महिलाएं हैं उनके जीवन में भी इस तरह जी का बहुत, तो मैंने कई कई लोगों से बात किया है तो उनका कहना रहता है कि हाँ मैंने छोड़ दिया लिखना, तो उससे कैसे हाँ निकल सकती हैं जो महिलाएं सृजन कर रही हैं, रचनात्मक हैं, वो कैसे इन चीजों से निकल सकती हैं और अपने लिए स्पेस बना सकती। देखिए, सबसे पहले तो खुद को, हम सबको प्यार करते हैं लेकिन खुद को भूल जाते हैं, इससे खुद को प्यार करना सीखना होगा। और दूसरी बात कि मेरी भी बहुत दिनों तक लिखाई पढ़ाई बंद रही कॉलेज लाइफ के बाद, जब अपना जीवन संसार हुआ, अपनी गृहस्थी हुई, तो बहुत दिनों तक मैंने नहीं लिखा। बाद में मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब उन लोगों ने मेरी पुरानी क्लिपिंग्स देखी, पेपर कटिंग्स देखी, पत्रिकाएं देखी पुरानी, तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे ये किसी बक्से के सबसे नीचे कुछ पत्रिकाएं रखी हुई है, उसमें मम्मी की युवावस्था की का फोटो है और उसमें कविताएं छपी हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मम्मी ये तुम हो, तुमने लिखा है, तुम्हारा छपा है, तुम फिर से लिखो। तो वो बेटियां फिर से मेरी प्रेरणा बनी। तो परिवार में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर जो जो पत्नी का या जो स्त्री का जो व्यक्तित्व है, तो वो व्यक्तित्व बना बचा रहे, बना रहे वो। और सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारी अपनी खुद की है कि हमें कोई कह रहा हो या ना कह रहा हो, लेकिन हमारा अपना जो व्यक्तित्व है उसको हम बचाए रखें और लगातार लिखते रहे। मेरा लिखना बहुत दिनों तक बंद रहा लेकिन पढ़ती मैं सदैव रही, पढ़ाई मेरी कभी नहीं छूटी, चाहे वो लाइब्रेरी से ली, चाहे किताबें खरीद के ली, लेकिन मैंने पढ़ाई मैं हमेशा करती रही। और हर महिला को मैं कहूंगी कि वो अपना अपना जो शौक है उसके लिए थोड़ा सा समय जरूर निकाले। कभी ना कभी हमें तो अपने लिए सोचना पड़ता है, और कई बार ये होता है कि बहुत वक्त निकल जाता है तब हम सोचना शुरू करते हैं। बहुत दिनों तक मेरे घर में जब मेरी गृहस्थी हुई तो सारी जरूरत की चीजें आती गई, पलंग, बिछौना, गाड़ी, जो अलमीरा, फ्रिज, रोजमर्रा सब, की चीजें, लेकिन हाँ मेरी किताबों की कोई जगह नहीं थी। जो किताबें थी वो एक कार्टून में पड़ी हुई थी, जब बहुत दिन बाद मैंने उन किताबों को निकाला तो वे दीमक लगी हुई थी। तो मैंने लिखा कि ये मेरे व्यक्तित्व की तरह ही हो गई है, जिसमें दीमक लग गए हैं और इसकी जो असली चमक है वो खो गई। वो किताबें उस तरह थी, तो फिर बहुत बाद में मैंने उनके लिए एक जगह बनाई। तो वो काम बहुत पहले भी हो सकता था। जी तो महिलाएं क्या है कि वो अपने घर में, गृहस्थी में, बच्चों में, नौकरी में, सब में इतना डूब जाती हैं या दूसरी चीजों को अपने मुकाबले इतना ज्यादा प्राथमिकता देती हैं कि वो अपना ही भूल जाती हैं कि उसके क्या शौक रहे हैं। बहुत बेहतर सलाह है जो लोग लिखते हैं उनके लिए। एक जी मैं जी आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने आपकी जितनी कविताएं पढ़ी तो उसमें मुझे जी प्रेम कविताएं नहीं मिली, तो आपके संग्रह में अगर कोई अच्छा, प्रेम कविता हो तो वो सुना दें। मृत्यु के नजदीक प्रेम।
इस बार मैंने देखा मृत्यु को बहुत नजदीक से। जब मृत्यु को नजदीक से देखा उस वक्त प्रेम याद आया। इस वक्त मैंने देखा इस बार मैंने देखा मृत्यु को बहुत नजदीक से, अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर अपने घोंसले से दूर जाते, अपने नन्हे बच्चों को छोड़कर अपने घोंसले से दूर जाते। मैंने एक विश्वास का हाथ पकड़ा, खुद से किया एक वादा। अब मैंने एक विश्वास का हाथ पकड़ा, खुद से किया एक वादा, अगर लौट आई आकाश पाताल पार कर, अगर लौट आई आकाश पाताल पार कर, फिर धरती के रास्ते, फिर धरती के रास्ते, देख पाई बसंत फिर से, देख पाई बसंत फिर से, स्वीकार करूंगी उस प्रेम को जिसे अपने आप से भी छिपाकर सींचती रही। स्वीकार करूंगी उस प्रेम को जिसे अपने आप से भी छिपकर सींचती रही, जिसे खुद से स्वीकार करने में भी जमाने लगे, जिसे खुद से स्वीकार करने में भी जमाने लगे। वह प्रेम जो मेरे लिए रहा पूजा प्रार्थना और अजान की तरह, वह प्रेम जो मेरे लिए रहा पूजा प्रार्थना और अजान की तरह, उसे स्वीकारूंगी अब अपनी पहचान की तरह। वह प्रेम जो मेरे लिए रहा पूजा प्रार्थना और अजान की तरह, उसे स्वीकारूंगी अब अपनी पहचान की तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मैं आपसे जानना चाहती हूं कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी लेखन को लेकर के? देखिए भविष्य की मेरे पास कोई खास योजना है नहीं। लिखना बहुत कम हो पाता है, पढ़ना होता है रेगुलर, क्योंकि पढ़े बिना मैं सो नहीं पाती हूँ, तो रोज कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। मेरी कुछ कहानियां अच्छी पत्रिकाओं में छपी हैं, लेकिन उसका कोई संकलन नहीं है। तो अगर मुझे समय मौका और मनस्थिति रही बनी तो वो उन कहानियों की किताब मैं सोचती हूँ कि लाऊंगी। कहानी संग्रह प्रकाशित करवाएंगे आप? चलिए, आपको आपके नए कहानी संग्रह के लिए बहुत शुभकामनाएं, और आपका लेखन जारी रहे और ताकि लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता रहे आपको। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। आपने भी मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, और दर्शकों को भी बहुत बहुत मेरा धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।